हाजरीन महफिल, काबिल फ़ख्र शहदा की फैमिलीज, काबिल फ़ख्र गाजियों, जनाब चीफ मिनिस्टर साहब, जनाब स्पीकर साहब, जनाब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जनाब IGFC साहब, जनाब एयर वाइस मार्शल, सिविल मिलिट्री रिटायर्ड अफसरान, ख्वातीन व हजरात, मीडिया के दोस्तों, आज तजदीद का दिन है। इस अहद का दिन है कि हम अपने शहदा को याद रखेंगे, हम अपने शहदा की फैमिलीज को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमें आज के दिन इस अहद की तजदीद करनी है कि जब तक एक भी पाकिस्तानी जिंदा है, पाकिस्तान को खराब करने, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर अपने अजायम में, अपने गंदे अजायम में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। दहशतगर्दी की इस जंग में तमाम अवाम बे इंतहा कुर्बानियां दी हैं, अफवाज, पुलिस, सिविल, आम अवाम कोई भी दहशतगर्दी के हाथों महफूज नहीं रहा, लेकिन हर कार्रवाई के बाद हमारा अजम और जवान हुआ है। मैं पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूं कि वो असले की कमी के बावजूद, ट्रेनिंग की बाज़ुकात कमी और कोताहियों के बावजूद दहशतगर्दी के सामने सीना सपर रही और कभी भी किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं किया। मैं पुलिस फोर्स को इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि आपने जो है अपने इन शहदा की फैमिलीज को ओन किया है और इनके लिए जो है जो पॉसिबल हो सका आपने किया, और उन बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने अपने वालिद की कुर्बानी के बावजूद जो है हिम्मत नहीं हारी और जिंदगी में आगे बढ़े हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट पूरी जो है वो आप शहदा की फैमिली के साथ है और आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, और आपको जिस किस्म के भी मसाइल पेश आएंगे हम उसके लिए जो है वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके मसाइल को हल कर सकें। बहुत सी बातें जो है जिनका इशारा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस साहब ने किया है, वो चीफ मिनिस्टर साहब अपनी तकरीर में उसका जो है वो आपको मुकम्मल इजहार करेंगे कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर रही है। मैं अपने पुलिस के जवानों को ये यकीन दिलाता हूं कि हमें आपकी जो मुश्किलात का एहसास है और जो भी असले की कमी जो है वो भी पूरी कर रहे हैं, आपके लिए जो भी जितने भी वसाइल चाहिए हम आपको मुहैया करेंगे। आप अपना हौसला बुलंद रखें और जिस तरह आप दहशतगर्दी का मुकाबला करते आए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसी तरह जो है वो दहशतगर्दों के सामने एक दीवार की तरह खड़े होंगे और हमारी अफवाज पाकिस्तान को भरपूर अंदाज में सपोर्ट करेंगे ताकि वो बॉर्डर के ऊपर जो है दुश्मन को रोक सके और सरहदों के अंदर आप किसी सूरत भी जो इन दहशतगर्दों को कामयाब नहीं होने देंगे। फाइनली मैं ये आपके सामने एक और बात पेश करता हूं कि इस वक्त आपके जो मसाइल हैं उनमें से बहुत से जो ऐसे होते हैं कि आपके जब साया उठ जाता है बाप का तो एक आपको बाज़ुकात ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का मसला सामने आता है कि हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो वहाँ पर बाज़ुकात आपको केयर नहीं होती, गवर्नमेंट महकमों में केयर नहीं होती। तो मैं ये ऐलान करता हूँ कि हम होम डिपार्टमेंट में भी आपका एक शहदा का सेल, एक शहदा का डेस्क बनाएंगे। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़
कोई भी ऐसा मसला, अवल तो पुलिस आपको लुक आफ्टर कर रही है लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्रॉस कटिंग होती हैं, तो सिविल इंतजामिया से मुतल्लिक जो बाकी चीज़ें होंगी तो मैं इंशाल्लाह उसकी खुद निगरानी करूँगा और हम आपको जो है वो पूरी तरह से जो है वो ये हेल्प करेंगे कि आपकी जो है वो मुश्किलात दूर हो सकें और आपको जो लॉस है उसको तो पूरा नहीं कर सकते लेकिन इस कावज से हम इस बात की तजदीद जरूर करेंगे कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए दी है हम उनको नहीं भूले और उनकी फैमिलीज को नहीं भूले। बहुत शुक्रिया। Right?